आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना? लूटने नहीं देना चाहिए ना? तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना? कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए, क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास भविष्य की सोच ही नहीं बची है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, ना देश हित को समझने का। इसलिए आप देखेंगे साथियों, आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका प्यार ही मेरी ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।